उन सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद जिन्होंने प्रतापगढ़ हब को इस शिखर पर पहुंचाया। इस यात्रा का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं बल्कि चलते रहना है जब तक लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। अगर आप भी इस यात्रा में हमारे साथ आना चाहें तो लाल बटन पर उंगली रख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को दबाकर आने वाले प्रत्येक वीडियोस के लिए तैयार हो जाइए। कुछ कहानियां ना तो कभी सुनी जाती हैं, ना ही इतिहास के पन्नों पर उनका कोई जिक्र मिलता है। ये कहानी है प्रतापगढ़ के पृथ्वीगंज रियासत की, जिसके तालुकेदार थे नागेंद्र बहादुर सिंह। 85 साल पुराना एक ऐसा गढ़ जो आज भी अपने भीतर इतिहास को समेटे जीवंत है। मेरा नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह। इस राज्य का नाम है पृथ्वीगंज राज्य। इसके तालुकेदार बाबू नागेंद्र बहादुर सिंह थे। वो इसुलेस थे। सन 1938 में यहाँ एक ट्रस्ट कायम करके चले गए विदेश, लेकिन विदेशियों का व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा। फ्रांस गए, वहाँ भी वही बात। जर्मनी गए, वहाँ भी वही बात। फिर ऊब करके वहाँ से फिर वापस आ गए भारत। भारत आने पर वो पहले नेपाल में काठमांडू गए, वहाँ का भी व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो आया अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उनको खूब जचा। उन्होंने मकान बनाना शुरू किया। दीवारें तो पूरी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों उनको चाटन हुआ। वहाँ से छोड़ के लखनऊ आ गए। चूँकि वो लखनऊ काल्विन तालुकेदार कॉलेज में पढ़े थे और लखनऊ उनका जाना पहचाना शहर भी था, लखनऊ में उनका अपना मकान भी था, इसलिए वो लॉन्ग लाइफ वहीं रह गए। उनकी डेथ भी वहीं हुई। हम दो भाई उनके वारिस थे। दोनों भाइयों ने जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया और फिर उसके बाद से उनकी जो बची खुची प्रॉपर्टी थी उस पर हम दोनों भाई परिवार से रह रहे हैं। ये सन 32 से लेकर 38 तक में पूरा हुआ था। इसकी ईंट जो है पहले खुद अपने चिमनी भट्टे से बनाई गई। उसमें भी ईंट की क्वालिटी देखने के लिए एक दो हौज होते थे। उन हौज में पानी भरा होता था। ईंट पानी में डाली जाती थी। जिस ईंट का वजन एक बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा एक बराबर होता था, वही ईंट इसमें इस्तेमाल की जाएगी। और जिसका वजन बढ़ गया वो मतलब सेकंड क्लास की मान करके वो कहीं गैर जगह फर्श में या कहीं भी लगा दी जाती थी। अब इसके मसाले की बात सुनाएं। मसाले में कंकड़ होता है, ज़मीन में कंकड़ होता है पत्थर टाइप, तो उसको पहले भट्टी बना के भूना जाता था। उसकी धुलाई होती थी। धुलाई करके यानी कि मिट्टी उसमें ना रहने पाए, धुलाई करके उसको एक तब तो चक्कर से उसकी पराई होती थी। तो उस कंकड़ के गीला हो जाने के बाद उसमें बेल का गूदा, गुड़, मेथी और रुई, ये तमाम मसाले उसमें डाले जाते थे। और तब जब उस
यानी पिस करके तैयार हो जाता था, घुल जाता था, तो एक ईंट उठा के उस पर रखी जाती थी। उस ईंट को ऊपर तक उठाया जाता था, यानी अगर 3-4 फीट ऊंचाई तक मसाला और ईंट का संबंध बना रहता था, वही मसाला इसकी जुड़ाई में प्रयोग होता था। इसमें कमानी डाट लगाई गई है। सारे कमरे, चाहे वो 18x20 के हों या और बड़े हों या छोटे हों, इन सब में कमानी डाट को सपोर्ट करने के लिए बीच में हो सकता है कि पिलर दिए गए हों, सपोर्ट देने के लिए पिलर लगाए गए थे। उसी पिलर पर ये पूरा मकान खड़ा है। दीवारें जो हैं इसकी एबनॉर्मल मोटी हैं, न्यू इसकी 10 फीट गहरी है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी 50 साल इसमें कोई कमी नहीं आनी। तो इलेक्ट्रिक वायरिंग जब हमने कराना शुरू किया तो इसमें गुल्ली जो है ठोंकी नहीं जा सकी, छेनी हथौड़ी से काट करके गुल्ली के लिए जगह बनाई जाती थी, उसमें आग की तरह चिंगारी निकलती थी। अभी भी इसका मसाला इतना ही मजबूत है। इस तरफ दरार जो आई है, सन 1932 में एक बार भूडोल आया था, उसी के झटके में थोड़ा सा गैप हो गया दीवार में, और कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ, एक तिनका भी नहीं गिरा। सिर्फ दीवार चूंकि नई थी इसलिए उसमें थोड़ा सा गैप हो गया। उत्तर दक्षिण 130 और पूर्व पश्चिम 110 फीट। दो परिवार हैं, दो भाइयों का है। एक भाई, बड़े भाई के 4 बच्चे हैं, एक एक को 3-3, 4-4 बच्चे हैं, और मेरे परिवार में 2 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, 3 बच्चे हमारे फैजाबाद ज़िले में खंडासा परगने में मेरी फार्म हाउस है, 3 बच्चे वहाँ रह रहे हैं। और यहाँ वाले बच्चों को, एक बच्चे को 2 लड़का और दूसरे बच्चे को 2 लड़की और 1 लड़का।